और हम लोग कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। तो बच्चा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स, दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी। हमने दो प्रॉपर्टी हो गए, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। अजीब है ना थोड़ा। अब तक तो बचपन से हम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे कि रूट फोर क्या होता है, प्लस माइनस टू होता है। लेकिन अभी हम लोग है ना रूट फोर को सिर्फ प्लस टू ही लेंगे, प्लस माइनस टू नहीं लेंगे। यही रीज़न है कि कोई चीज़ कोई स्क्वायर का रूट लेते हैं तो मॉड एक्स आता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आती है। उसके बहुत सारे रीजन से फंक्शन चैप्टर में ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे, क्योंकि हम लोग दो वैल्यू नहीं लेते रियल वर्ल्ड में। एक जगह हम दो टाइम पे नहीं हो सकते, एक ही टाइम लेना पड़ेगा, इसलिए हम प्लस माइनस चीज नहीं लेते, सिर्फ पॉजिटिव। रियल वर्ल्ड में सिर्फ पॉजिटिव, टाइम से पॉजिटिव होता है। इसलिए हम लोग रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स यूज करेंगे। और ये जो चीजें मॉडुलस, ये सब कैलकुलस का हमारा बेसिक है, तो हम लोग कैलकुलस के हिसाब से चलते हैं। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा मॉड एक्स है, सिर्फ प्लस टू है, मतलब प्लस माइनस टू का मॉड टू ही है, माइनस टू नहीं है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी रखना है आपको, ठीक है। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। तो बच्चों इस पर भी देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि अगर मैं लिख दूं थ्री माइनस टू रूट टू, इसको सॉल्व करने का कोई बोलता है तो अब ये देख के तो कुछ क्लिक नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे थ्री को मैं लिख सकता हूं वन स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर माइनस टू इंटू वन इंटू रूट टू। किस किस के दिमाग की घंटी बजी मेरे साथ, ये बात सही है क्या नहीं? देखो बच्चों, वन का स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर टू, वन प्लस टू थ्री हो गया टू। तो हमने करे क्या, रूट टू की जगह वन इंटू रूट टू क्यों लिखे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू टू ए बी। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, वन माइनस रूट टू का होल स्क्वायर। अच्छा नहीं नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है, मैं निराला हूँ, मुझे लिखना है रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये गलत रहेगा क्या, नहीं ये भी सही रहेगा, तो ये भी सही रहेगा, ये भी सही रहेगा। हाँ, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है। और ए बी माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, सेम ही होता है। हाँ सेम ही होता है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो मालूम क्या पड़ा, ये लिखूं या ये लिखूं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दोनों भी चीज सेम है। तो फिर आगे सॉल्व करता हूं मैं। तो ये रूट और ए स्क्वायर एक दूसरे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, वन माइनस रूट टू आएगा, और यहां क्या आएगा, रूट टू माइनस वन आएगा। अरे एक मिनट सर, वन माइनस रूट टू नेगेटिव है, रूट टू की वैल्यू तो 1.414 होती है, और रूट टू माइनस वन तो पॉजिटिव है। तो एक चीज के दो आंसर कैसे हो सकते, इसलिए तो ये फंडा आया। हम लोग बोलते सही बात है, दो आंसर तो नहीं हो सकते। तो हम लोग क्या करेंगे कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स। तो रूट ऑफ दिस स्क्वायर एक्स की जगह भी लिखा है, ये क्या होगा, मॉड ऑफ दिस थिंग, और यहां भी क्या होगा, मॉड ऑफ दिस थिंग। तो मॉड क्या करता है, मॉड अपने अंदर देखता है मेरे अंदर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो हट जाता है, अगर नेगेटिव है तो बोलता है मुझे माइनस साइन छोड़ के हटना पड़ेगा। तो यहां मॉड ने देखा मेरे अंदर नेगेटिव है तो हटा, लेकिन एक माइनस साइन छोड़ के हटा ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। और यहां मॉड ने देखा मेरे अंदर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट हट गया रूट टू माइनस वन। तो ये क्या हो गया, रूट टू माइनस वन, और ये क्या हो गया, रूट टू माइनस वन। मतलब आंसर तो यूनिक ही आएगा ना भाई, इसका रूट यूनिक आया तो यूनिक भी आना चाहिए। तो ये देखो ऐसे क्वेश्चंस में बनते हैं, कितनी बेसिक प्रॉपर्टी है रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स, लेकिन क्वेश्चन कितना अच्छा बन गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो इस पर एक और क्वेश्चन देखता हूँ। जैसे कि बच्चों ये क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा खौफनाक है। तो देखो ये टू ए बी का फॉर्म होना चाहिए, टू तो ऑलरेडी है, अब ए मेरे को लग रहा है रूट टू रूट थ्री हो सकता है, लग रहा है तो क्या लग रहा है तो सच में निकला, क्योंकि रूट टू स्क्वायर प्लस रूट थ्री स्क्वायर अगर करता हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बन रहा है, राइट। तो ये बात तो सही निकली, तो दिमाग की घंटी बजी, रूट टू माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने। तो रूट है इधर स्क्वायर है, तो क्या होगा, रूट टू माइनस रूट थ्री का मॉड। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, मॉड लो आंसर सही आएगा। फिर मॉड के अंदर क्या है, रूट टू माइनस रूट थ्री कौन बड़ा है, रूट थ्री बड़ा है कि रूट टू बड़ा है, रूट थ्री क्लियरली रूट थ्री बड़ा है ना यार। तो ये रूट टू माइनस रूट थ्री नेगेटिव हो गया, तो मॉड ने देखा मेरे अंदर नेगेटिव है तो माइनस साइन छोड़ के गया। तो इस तरह से ये भी सॉल्व हो गया, माइनस अंदर गया
√2 3 √2 आंसर है इसका। तो बच्चों बहुत ही काम की चीज़ है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हर जगह मॉड के कॉन्सेप्ट में अच्छे अच्छे मुश्किल क्वेश्चन बन जाएंगे कैलकुलस में भर भर के और ट्रिग्नोमेट्री में भी। थैंक यू।